स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी क्लास और कल की क्लास में हमने आपके बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारी बातें खुल गई थी। और जहाँ कल बात छोड़ी थी कि अब तक की बातों में शायद आपका हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाया कि मेरा अपना सब्जेक्ट क्या है, तो पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम तो आपको वीडियो में मिल ही गया है, इसके बात की जो बात है, सब्जेक्ट की बात है, भूपेश डी वर्मा मेरा नाम है और मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यावसायिक प्रशासन। ये तीन सब्जेक्ट्स कॉमर्स में आपको पढ़ने को मिलते हैं। एक बात की थी हमने ABST, दूसरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा EAFM। ABST को रिपीट करते हैं, ये है 11th और 12th की बुक कीपिंग का हायर वर्जन। EAFM वो है जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसका रोड वर्जन, और जो बिजनेस स्टडीज थी उसको अब हम इस फॉर्म में ले रहे हैं। कॉलेज एजुकेशन और कॉलेज और आगे हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, PG की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट का नाम रहेगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्योरली बात कर बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के बारे में, उसका प्रशासन करने के बारे में, उसका संचालन करने के बारे में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। कि आज के जो ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं उसमें किसी भी संस्था का, कंपनी का, इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट का पार्ट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो 11th 12th में आपने मैनेजमेंट के बेसिक्स की कुछ बात की है। हमारे फर्स्ट ईयर में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो दो पेपर होंगे उसके बारे में बात करनी है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये है हमारा सब्जेक्ट, देखो क्लास की बात करोगे BCOM पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट की बात करोगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और आप आगे जो बात करने वाले हैं ये है पेपर्स के नाम। तो पहला पेपर जो आपको पढ़ना है इस साल, उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत, मैनेजमेंट जो आपने 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, अब उसको हम थोड़ा ब्रॉड सेंस में लेते हैं। ब्रॉड सेंस का मतलब है अब हमारा इसका प्रैक्टिकल कॉम्प्लायंस है, कि जो बातें हमने जानी है, समझी है, उसको प्रैक्टिकली काम में कैसे लेना है, उसके प्रैक्टिकल इश्यूज क्या है, उसके एक्चुअल जो कंप्लायंस के पार्ट्स हैं वो क्या है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। तो कंटेंट्स की अगर बात करें, कंटेंट कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, हाँ उसको अब केवल जो स्कूल लेवल की बातें थी उससे आगे बढ़कर कैसे जानना है, समझना है, ये हमारा पर्पज रहेगा। जैसे आपने जिन थिंकर्स को अब तक देखा है इस पेपर में, वो थिंकर्स वो के वो रहेंगे। मैनेजमेंट की अगर बात करें, मैनेजमेंट बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हिस्ट्री की बात करें तो एक सेंचुरी की बात मान सकते हैं, 100 साल का पीरियड। आपको ध्यान होगा हमारा जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट थिंकर है हेनरी फेयोल, फर्स्ट ऑफिशियल मैनेजमेंट थिंकर, या कह लो कि ये भी कहते हैं फादर ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल के लिए ऊपर काम में लेते हैं। तो ये मैनेजमेंट के लिए इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये कॉन्ट्रीब्यूशन था 1916 में, 1916 में इसकी जो बुक आई जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, उस बुक में जो बातें इसने बताई, हेनरी फेयोल ने जिन बातों की चर्चा की, वो आज तक माइल स्टोन है। इस बुक में ऐसी चीज़ें क्या थी, 5 यूनिवर्सल फंक्शंस, 5 सार्वभौमिक कार्य, जो कहीं भी करो, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो आपके पॉलिटिक्स है, चाहे वो आपके सोशल एरिया है, रिलीजियस एरिया, सब जगह 5 यूनिवर्सल फंक्शंस। अब इस ज़माने में जो वर्ड्स काम में लिए वो शायद आज उतने रिलेवेंट नहीं है, खासतौर से एक वर्ड काम में लेते हैं हेनरी फेयोल, वो है कमांडिंग, आदेश देना। आज आदेश देने की बात नहीं होती, आज हम थोड़ा लिबरल वे में काम में लेते हैं उसको, वो है डायरेक्टिंग। तो उसको और आज के दौर को मिलाकर देखें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये है 5 फंक्शंस
जिनको मैनेजमेंट करने के लिए, जिस किसी भी पक्षकार को मैनेजमेंट का काम करना है, ये 5 यूनिवर्स ऑफ फंक्शंस प्लस 14 प्रिंसिपल्स। चौदह सिद्धांत, सिद्धांत होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या है, ये हैं गाइडलाइन फैक्टर्स किसी भी काम को करने के लिए। एक रेडीमेड कोई इक्विपमेंट आपको मिल जाए, कोई भी काम कैसे करें, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करें, उसके लिए हेनरी फोर्ड का पहला सिद्धांत है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। कितने पावर्स दिए जाए तो उसके लिए अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ के लिए। अगर मान लो नया मैनेजर है या एक्सपीरियंस उसके पास ज़्यादा नहीं है, तो मैनेजमेंट कैसे करें उसकी टिप्स भी उनसे ली जा सकती है। ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, अब इसको रोड वे में आपके लिए शेयर करेंगे। और हमारे जो सिलेबस है पूरा इन्हीं 5 फंक्शंस, इन 14 प्रिंसिपल्स, इनके आसपास पूरा सिलेबस कवर होकर रह जाता है। इसलिए बातें आपकी ज़्यादातर पढ़ी हुई हैं, अब उसको हम अलग अंदाज में, अलग तरीके से, जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने के लिए आपको उपयोग में लेना है, उसके बातचीत करेंगे। और यहाँ एक बात और आपके लिए कोट करना चाहेंगे, वो है ये केवल एक क्वालिफाइंग पेपर मानना, मैनेजमेंट जो बातें की है तो हमारा पढ़ा हुआ है, ये मानने की रूल नहीं करनी। मैनेजमेंट केवल पेपर नहीं है, मैनेजमेंट लाइफ स्टाइल है, मैनेजमेंट जीवन शैली है। क्यों? तो मैनेजमेंट में बेसिक फंडे क्या है कि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ट्राई करता है परफेक्शन की ओर बढ़ने की। परफेक्शन जो हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए टर्म्स काम में लेते हैं कि दिस इज अ गुड थिंग, दिस इज बेटर देन समथिंग, और दिस इज द बेस्ट, तो ये द बेस्ट पॉसिबल का मैकेनिज्म है, वो है मैनेजमेंट। ये और थिंकर का नाम है हेनरी फोर्ड की बात की हमने, अब बात करते हैं एस डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विस्लो टेलर। टेलर का और फ्योल का जो कंट्रीब्यूशन का दौर था वो लगभग समान था। हेनरी फ्योल और टेलर के कंट्रीब्यूशन में बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि फ्योल का कंट्रीब्यूशन था फ्रेंच लैंग्वेज में और ये था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमें यूनिवर्सली पहले पता लग गया टेलर के बारे में, क्योंकि फ्योल की बुक इसके कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद में, टेलर के कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद में मार्केट में आई। तो टेलर का जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, वो है द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। फर्स्ट तो ये कि आप पहले श्योर हो जाओ, सुनिश्चित कर लो कि आपको क्या करना है, एंड देन टू सी दैट द वर्क इज बीइंग डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। जो भी काम किया जा रहा है वो सर्वोत्तम है, वो मितव्ययी है, जो सर्वोत्तम की बात है वही हम मैनेजमेंट में ले रहे हैं। ये है परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब कि नो लिमिटेशंस, किसी भी तरह की कमियां न छोड़ी जाए, किसी भी तरह की एक और बड़ा काम ले सकते हैं कि नो वेस्टेजेस, किसी भी तरह का अपवेलिंग या कहते हैं नो डुप्लीकेशन, किसी भी तरह का दोहराव नहीं, यानी कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं, कोई दोहराव नहीं, प्रयास बेकार नहीं जा रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स परफेक्शन। हम एक सुप्रीम जो चीज़ आ सकती है, फाइनल पोजीशन आ सकती है कि हम हमारे और जो एक्चुअल पोजीशन हो सकती है इसके बीच में कहीं कोई गैप नहीं रह रहा है, वो पहुँचने का जरिया है, वो है मैनेजमेंट। ऐसा अगर किसी मैनेजमेंट में होता है, किसी कंपनी में होता है, वो भी अच्छी बात है। और हमारी पर्सनल जो लाइफ है उसको भी अगर मैनेजमेंट के तरीके से आप जीने की कोशिश करें तो काम हो रही है। अगर आप में कमियाँ नहीं हैं, अगर आप गलती नहीं करते हो, अगर आप किसी भी चीज़ को फालतू में वेस्टेज तक नहीं ले जाते हो, तो ये कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। तो हम लाइफ स्टाइल इससे सीख सकते हैं, मैनेजमेंट के तरीके से जीवन चला सकते हैं। तो वो सारी बातें आप इसमें शेयर करेंगे। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट इसकी इतनी बात सफिशियंट आपके लिए आना, ये ज़्यादातर बातें हमारी देखी हुई है। अब उसको प्रैक्टिकल कंप्लायंस के लेवल तक हम जो 5 यूनिट का सिलेबस है कल बात कर चुके हैं, हर पेपर 5-5 यूनिट में बटा हुआ है। तो उसमें किस तरीके से किस यूनिट में क्या बातें हैं और उसमें कौन सी बातें ऐसी है जो हमें कंपल्सरीली जाननी जरूरी है, इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे हो सकता है, उसकी चर्चा करनी है।
अब दूसरे पेपर का हम जिक्र कर रहे हैं, इसका नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। व्यावसायिक नियमन व्यवस्था, ये शायद आप सभी के लिए बिल्कुल नई चीज है, यूनिक चीज है। इसके बारे में हार्डली आपको 12th क्लास में या 11th क्लास में इसका कोई भी पार्ट शायद जानने को नहीं मिला। हाँ, जिन लोगों ने सीबीटी का चांस लिया है या किसी प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के पास जरूर इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। अदरवाइज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। अब इसमें है क्या, देखो बिजनेस लाभी होता बिजनेस लाभी, यानी जो एक कॉरपोरेट सेक्टर है ये भी उससे रिलेटेड है, ये भी कंपनियों से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, और ये है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी कहलाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेटअप, कि कंपनियों के लिए बिजनेस के लिए टाइम टू टाइम कुछ अधिनियम बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, उसका एनफोर्समेंट किया जाता है, तो वो चीज़ें हमारे सिलेबस में डाली जाती हैं। ये है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। किसी भी बिजनेस से रिलेटेड एक्ट्स कौन से हैं, लॉज कौन से हैं, कॉर्पोरेट लॉज कौन से हैं, उन सबको एक कोर्स वर्क के रूप में कंपाइल करके आपके लिए दिया गया है। तो बेसिकली 5 लॉज हैं, 5 लॉज जो आपको इस साल सर्विस करने हैं। 5 लॉ में सबसे पहले बात करेंगे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, भारतीय अनुबंध अधिनियम। फिर दूसरी यूनिट में हमको दिया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वस्तु विक्रय अधिनियम। थर्ड यूनिट की बात करेंगे तो वो है फैक्ट्रीज एक्ट, कारखाना अधिनियम। चौथी यूनिट की बात करेंगे तो इसमें हम आज का जो लेटेस्ट दौर चल रहा है आईटी का दौर, इससे रिलेटेड एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और फिफ्थ यूनिट में है पेटेंट एंड कॉपीराइट एक्ट। तो ये 5 यूनिट मिलकर हमारा कोर्स तैयार होगा जिसका नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब इसमें बेसिक चीज़ जो आपके लिए जानने की आवश्यकता है वो ये है कि हमें एक फेमिलरिटी रखनी है लॉ से, बाई लॉ से, रूल से, रेगुलेशन से, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट्स या जो प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्स की बातें हैं उसमें बहुत बड़ा रोल होता है रेगुलेटरी सिस्टम का। और रेगुलेशन क्यों इम्पोज किए जाते हैं, बिजनेस के ऊपर क्यों लगाए जाते हैं, नंबर वन इसका जो आधार होता है वो है कि बिजनेस उसके लिए जो लिमिटेशन है, उसके लिए जो बाउंड्रीज हैं, उसको फॉलो करते हुए वो अपना जो भी एक्टिविटीज करनी है उसको करें। नंबर टू हमारा जो होता है वो है एक कॉमन प्रैक्टिसेस को हम हाईलाइट कर पाए, उसको सपोर्ट कर पाए, ये हमारा एफर्ट रहता है। तीसरी बात इससे जुड़ी होती है वो ये होती है किसी भी तरह की मेल प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये बिजनेस डेवलपमेंट करने कि किसी भी तरह की, जैसे बेसिक बात क्या होती है, मोनोपोली है जैसे बात होती है, मेल प्रैक्टिसेस की बात होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात होती है, इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारा ये जो पेपर है ये बहुत बड़ी हेल्प करता है। और इसका जो सेटअप है वो इस तरह का है कि इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे आप तो आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, आपकी कम्युनिकेशन निश्चित रूप से इम्प्रूव होने वाली है। लॉज की जो लैंग्वेज है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि आपको एक तो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, और दूसरी जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये जो प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, कैसा, जो लोफुल है, जो यूनिवर्सल है, जिसके बारे में सब जगह एक सी बातें देखने को मिलती है, ये बातें हमारी अगर जानकारी में आती हैं तो कोर्स पूरा होने के साथ साथ, एक पेपर पूरा होने के साथ साथ हमारे क्या बेनिफिट हो रहा है, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प मिल रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पेपर की सिग्निफिकेंस रहेगी। और एक हमारे पास एक सिनेरियो बने कि किस तरह से बिजनेस के ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है। अब इन किसी भी तरह के, जैसे 5 जो हमारे लॉज हैं, उन लॉज में खास बातें क्या है, पहली बात तो है हर लॉ के कंटेंट्स के बारे में, बेसिक कंटेंट्स के बारे में हमारा माइंड सेटअप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, ये कैसे तैयार किए जाते हैं, एक लीगल या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसके बारे में क्लियर जानकारी होनी चाहिए। किसी भी
एग्रीमेंट को या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड या व्यर्थ कब घोषित किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जब भी डीलिंग होती है, जैसे जमीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, व्हीकल खरीदना है, तो एग्रीमेंट पेपर तो तैयार होते हैं ना, उन चीज़ों के बारे में हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको अगर बातें मिल जाती हैं तो ये आपकी हेल्प करेंगे कि हम उसमें जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं उसको हमारे लिए कैसे काम में लेना है, कैसे गलतियों से बच सकते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए रेडीमेड सोल्यूशन जो होता है। इसी तरह जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, अब आज के समय में और कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप लोग कंप्यूटर का, इंटरनेट का, मोबाइल का बहुत यूज कर रहे हैं और ऐसे में सावधानी क्या बरतने की आवश्यकता पड़ती है, क्या गलतियाँ आपसे हो सकती है, और ख़ास तौर से वर्ड सुनने को मिलता है जो है साइबर क्राइम, कि आप केवल एंटरटेनमेंट कर रहे हो, एक मजाक के रूप में आपने वो काम किया, अब उसका इम्पैक्ट कहाँ तक पहुँच सकता है, वो सारी बातें आपको सावधान करने वाली हैं कि आईटी का यूज़ कैसे करना है, उसमें गलती की संभावनाएँ कहाँ कहाँ होती हैं, साइबर ऑफेंसेस क्या क्या हैं, और उसके साथ प्रोविजनल जो बातें हैं कि पनिशमेंट क्या हो सकता है। कुछ चीज़ों में तो कैश पेनल्टी की बात होती है, कई जगह पर आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है, वो चीज़ें अगर पहले से सावधान होकर चलें। और एक जो पेटेंट और कॉपीराइट की बात करने की, उसमें ये बात है कि आप सभी के पास कोई यूनिक आइडिया हो सकता है, यूनिक थॉट हो सकती है, तो उसको हम अपने नाम से रजिस्टर कराकर अब उसका कोई भी यूज करना चाहे उसके बदले में रॉयल्टी हमें मिलती रहे, और सिंगल यूजर होने का हमारे जो प्रिविलेज होता है उसको हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, वो बातें भी हम इसके साथ पैरेलल अगर जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो एक बिजनेस सेक्टर के बारे में इमेज थी, बिजनेस खाली माल बनाना, माल बेचना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, खाली यही बात नहीं है, बिजनेस के मैनेजमेंट की जो करना है, बिजनेस को रेगुलेट करने की जो बातें हैं, इसके एस्पेक्ट्स भी जानने उतने ही ज़रूरी हैं। तो ये हमारा जो पूरे पॉडकास्ट का सिलेबस है, ये बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस को रेगुलेट करने वाले जितने डायमेंशंस हैं इनको ध्यान में रखकर बताया गया है। इससे हमारे पूरे अब तक के जो बिजनेस के बारे में इमेज है इसको और इम्प्रूव करने में और उसका प्रैक्टिकल और क्या हो सकता है वहाँ तक जानने में आपको हेल्प मिल सकती है। तो इसके सिलेबस के बारे में ये PDF बनाकर आपको कल परसों शेयर कर देंगे, उसकी आप जब स्टडी करेंगे ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो मैनेजमेंट और रेगुलेटरी मेंबर इनमें क्या क्या बातें हमारी, इनको देखें, जानें, समझें, बोलें।